अजीज तलबा तालबात फरूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के जरिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएँ ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। इन द नेम ऑफ अल्लाह हु इज मोस्ट मर्सीफुल एंड मैग्निफिसेंट। आई एम फ्रीहा इकबाल, बीइंग मेंटोर ऑफ क्लास 8 एंड आवर टुडे डिस्कशन अबाउट एन एग्जीबिशन। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर नंबर 4, बिफोर रीडिंग आउट द चैप्टर नंबर 4, हियर आर द सम क्वेश्चन मेंशन ऑन द फ्रंट पेज ऑफ द चैप्टर नंबर 4। तो सबसे पहले हम लोग इन क्वेश्चन को देखेंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल टू, जो स्टूडेंट्स हैं वो इस काबिल हो जाएंगे अंडरस्टैंड एंड यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है उस वो क्या होता है उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे और वो कहाँ कहाँ पे यूज होता है। यूज फॉर एंड सिंस, फॉर का कहाँ पे यूज हो रहा है और सिंस का कहाँ पे यूज हो रहा है उसको समझ लेंगे। रिकॉग्नाइज एंड यूज न्यू वर्ड्स, उनको कुछ न्यू वर्ड्स से पहचान होगी, कुछ न्यू वर्ड्स से वो फेमिलियर होंगे। आइडेंटिफाई एंड यूज आर्टिकल्स, वो आर्टिकल्स का भी यूज इनमें सीखेंगे। ओके, ब्रीफ इंट्रोडक्शन और ब्रीफ इन चीजों के बारे में मैं आप लोगों को बता देती हूँ चैप्टर को स्टार्ट आउट करने से पहले। लेकिन चैप्टर जब हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद मैं इन चीजों के ऊपर एक अलग से एक रिकॉर्डिंग बना दूंगी, एक अलग से एक रिकॉर्ड कर दूंगी लेक्चर, जिनमें आप लोगों को इन चीजों के बारे में डिटेल से बता दूंगी। और हम लोग कुछ एग्जाम्पल जो वो चैप्टर से भी लेंगे और कुछ एग्जाम्पल मैं खुद से भी ऐड करूंगी, ठीक है ना। जो अंडरस्टैंड एंड यूज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है उसके बारे में हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। ओके, और ये क्या चीज शो करता है? शो समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। मतलब ऐसी कोई भी चीज जो पास्ट में स्टार्ट हुई थी और स्टिल वो हो रही है, ओके, तो उस चीज को हम लोग, वो क्या चीज शो करती है, वो कौन सा सेंटेंस होता है? वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। ओके, इसमें अगर प्रेजेंट परफेक्ट जो कंटिन्यूअस टेंस है इसमें हम लोग इसका जो एक बनाने का तरीका है, बनाने का वे है, जो स्ट्रक्चर इसका है वो क्या है, इसमें हम लोग जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो हैज एंड हैव होता है, साथ बीइंग का यूज होता है और साथ हम लोगों का इसके वर्ब के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं और यूज और सिंस और भी लगता है, ठीक है। यूज फॉर एंड सिंस, फॉर का यूज हम लोगों ने कहाँ पे करना है और सिंस का यूज हम लोगों ने कहाँ करना है, ठीक है। हम लोगों को ऐसे कोई भी चीज जिसकी ड्यूरेशन की, जिस एक्टिविटी, कोई भी वर्क जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उसकी अगर हम लोगों को परफेक्ट टाइमिंग पता है कि वो एक्शन, वो वर्क, वो एक्टिविटी, वो कोई भी चीज जो है वो स्टार्ट कब हुई है, ठीक है, तो देन हम लोगों को परफेक्ट उसकी टाइमिंग पता है कि वो सुबह से हो रही है, वो 2 बजे से हो रही है, वो 3 बजे से हो रही है, वो मंडे से हो रही है, देन हम लोग वहां पे क्या यूज करेंगे? देन हम लोग वहां पे यूज करेंगे सिंस। लेकिन अगर हम लोगों को उसकी परफेक्ट टाइमिंग नहीं पता, वो एक्शन, वो वर्क, वो एक्टिविटी, वो कोई भी चीज, वो इवेंट, समथिंग, कुछ भी हो सकता है, वो कब से स्टार्ट हुआ है और वो कब एंड होगा, हम लोगों को आइडिया नहीं है, तो देन हम लोग उसका फॉर, उसमें वहां पे हम लोग फॉर यूज करेंगे। मैं आप लोगों को एक दो एग्जांपल देके इसको समझाने की कोशिश करती हूँ। देन हम लोग आफ्टर कंप्लीटिंग दिस लेसन हम लोग एक अलग से कम्प्लीट जो लेक्चर है इस पे मैं तैयार करूंगी और उसमें आपको डिटेल में इन चीजों को कवर करवा दूंगी। ओके, ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से किताब पढ़ रही है। इधर आप लोग गौर करें, फॉर का यूज हुआ हुआ है। ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से किताब पढ़ रही है, ठीक है। तो हम लोगों को नहीं पता कि वो 2 घंटे कौन से हैं, वो सुबह के हैं, वो दोपहर के हैं, वो शाम के हैं, वो रात के हैं, ठीक है। तो इस वजह से हम लोगों ने क्या यूज किया है, इधर फॉर का यूज किया, ठीक है। ये भी एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एग्जांपल है। ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, वो 2 घंटों से किताब पढ़ रही है, ठीक है। द नेक्स्ट वन, ही हैज बीन फाइंडिंग द ड्रेस सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से अपना ड्रेस ढूंढ रही है। तो इधर हम लोगों ने सिंस का यूज किया है। हम लोगों ने सिंस का यूज क्यों किया है? क्योंकि हम लोगों को टाइम ड्यूरेशन पता चल गया है कि वो जो काम कर रही है वो क्या कर रही है, वो ड्रेस ढूंढ रही है, ड्रेस फाइंड आउट कर रही है, और ये एक्टिविटी और ये काम वो कब से कर रही है, वो सुबह से कर रही है, सिंस मॉर्निंग। शी हैज बीन फाइंडिंग द ड्रेस सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से अपना ड्रेस ढूंढ रही है। ओके,
He has been studying in the library for 3 hours. वो 3 घंटों से लाइब्रेरी में पढ़ रहा है. हेयर मतलब सेम एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने पिछले में देख किया है कि वो 3 घंटों से पढ़ रहा है, लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता कि वो 3 घंटे कौन से हैं. वो सुबह के हैं, वो दोपहर के हैं, वो रात के हैं, कब के 3 घंटे हैं. दैट्स वाई हम लोगों को उसका आइडिया नहीं है. तो हम लोगों ने क्या यूज किया, हम लोगों ने इधर फॉर यूज कर दिया. ओके तो नेक्स्ट है रिकॉग्नाइज एंड यूज न्यू वर्ड्स. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद एन एग्जीबिशन पढ़ने के बाद हम लोगों को क्या होगा कि न्यू वर्ड से हमारा फमिलियर होंगे. हर चैप्टर को पढ़ने के बाद हम लोग न्यू वर्ड से फमिलियर होते हैं, लेकिन डेफिनेटली हम लोगों को हर वर्ड नहीं आता होता. न्यू वोकैबुलरी हम लोगों को हर चैप्टर में मिल जाती है. आइडेंटिफाई एंड यूज आर्टिकल्स. तो एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है, और ये कहाँ यूज होते हैं. और इस चैप्टर में भी हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे. हमारे पास 3 तरह के आर्टिकल होते हैं, डी, ए और एम. किसी चीज को हम लोगों ने जब स्पेसिफाई करना हो, खास जैसे हमारे पास एक कॉमन नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, ठीक है ना. तो कॉमन नाउन हम लोग कहते हैं आम चीजों के लिए, और प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक चीज को टारगेट आउट करने के लिए हम लोग उसको प्रॉपर नाउन कह देते हैं. तो जब किसी चीज को स्पेसिफाई करना हो, ठीक है ना, देन हम लोग क्या यूज करते हैं, दी का यूज करते हैं. कौन सा आर्टिकल यूज करते हैं, दी का आर्टिकल यूज करते हैं, ठीक है. और जब हमारे पास उसके अलावा एन और जो ए आर्टिकल होता है, एन आर्टिकल हम लोग उन वर्ड्स के बिफोर यूज करते हैं. बिफोर मीन द स्टार्टिंग ऑफ टू वर्ड, जो स्टार्ट हो रहे होते हैं हम वाउल से. हमारे पास 5 वाउल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है. हमारी चैप्टर की जो टाइटल है उसमें भी आप लोग देखें एन एग्जीबिशन है, ठीक है ना. एन एग्जीबिशन क्यों लिखा गया, ए एग्जीबिशन भी तो आ सकता था, क्योंकि एग्जीबिशन का जो वर्ड है उसकी जो स्टार्टिंग वर्ड है, जो उसकी प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रही है वो ई से है, एग्जीबिशन, ठीक है. और ई क्या है, ई लेकिन ई एक वाउल है. तो वाउल से पहले हम लोग जो आर्टिकल लगाएंगे, जो आर्टिकल हम लोग यूज करेंगे वो एन है, ठीक है. एन आवर हो सकता है, ठीक है. एन एप्पल होता है, नेस्ट, तो एन ऑनेस्ट पर्सन. तो ऐसे वर्ड जिनके हम लोग जो वाउल से स्टार्टिंग जिनके प्रोनाउंसिएशन हो रही होती है, तो उसके हम लोग पहले एन लगाएंगे. काफी सारे वर्ड हमारे पास ऐसे भी होते हैं वो लिखने में तो वाउल से स्टार्ट नहीं हो रहे होते, लेकिन हम उनके साथ एन लगाते हैं. तो उसके ऊपर भी मैं आप लोगों को डिटेल में एक लेक्चर अलग से दे दूंगी, इन तीनों चीजों के बारे में. इस चैप्टर को कंप्लीट आउट करने के बाद हम लोग इन चीजों के जो भी ग्रामर इस चैप्टर में डिस्कस की गई है उनको हम लोग डिटेल में करेंगे. ओके तो नेक्स्ट वन इज प्री रीडिंग. प्री रीडिंग का मीन क्या होता है कि कोई भी चैप्टर, प्री रीडिंग, प्री मीन पहले, बिफोर, ओके, रीडिंग मीन पढ़ना, कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, इस चैप्टर की स्टार्टिंग करने के बाद, इस चैप्टर को ट्रांसलेट करने से पहले आप लोगों को कुछ चीजों के बारे में आइडिया होना चाहिए, कुछ चीजों के बारे में हाउ नो होनी चाहिए कि ये चीजें होती क्या है और इन चीजों को कहाँ पे यूज करते हैं या हमने कहाँ पे देखे हैं. द फर्स्ट वर्ड क्या है, व्हाट इज एन एग्जीबिशन, एग्जीबिशन क्या है, नुमाइश क्या है. एग्जीबिशन का मीन ये होता है कि आप लोगों ने डिफरेंट चीजों का कलेक्शन लेके उसको शो ऑफ करना है, ठीक है ना, किसी भी चीज पर डिस्प्ले करना, ठीक है. What do you see in the exhibition? आपने एग्जीबिशन में क्या देखा. डेफिनेटली आप लोग एग्जीबिशन में जाएंगे तो अपने इंटरेस्ट की चीज देखेंगे. हर एक इंसान का डिफरेंट इंटरेस्ट हो सकता है. जिस चीज में उसका इंटरेस्ट होगा उसे एग्जीबिशन में वही चीज पसंद आ जाएगी. हाउ डू यू डिफाइन हॉबी, और आप लोग हॉबी को कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है ना. हॉबी का मीन क्या होता है, हॉबी की एक्टिविटी है, ठीक है, जो कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन अपने लेजर टाइम में, अपने स्पेयर टाइम में, अपने फारे वक्त में उस एक्टिविटी को सर अंजाम देता है. अपने फालतू वक्त में, या हम लोग जब भी फ्री बैठे हों तो हम ये काम कर लेते हैं, तो उसको हम लोग हॉबी कहते हैं. हर जो हॉबी है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, किसी की हॉबी है बुक रीडिंग है, किसी की हॉबी गार्डनिंग है, किसी की हॉबी पेंटिंग है. तो हर पर्सन की जो हॉबी है वो वेरी करती है, पर्सन टू पर्सन जो हॉबी है वो वेरी करती है. हमारी अब चैप्टर को स्टार्ट आउट करने से पहले हम लोगों ने इन चीजों को देख लिया है, आई थिंक सो. हाउ नो हम लोगों को इन चीजों के बारे में होगी है, बाकी डिटेल में इन चीजों को कैसे करना है वो हम लोग चैप्टर के जब हम लोग रीडिंग करेंगे तो साथ साथ मैं आप लोगों को मेंशन करके बताती जाऊंगी. एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर हम लोग इन चीजों को अगेन डिटेल में करेंगे. ओके क्लास. मिस्टर काजी वाज स्टैंडिंग बिफोर हिज क्लास. मिस्टर काजी अपनी क्लास के सामने खड़े हो गए, खड़े थे. मिस्टर काजी अपनी जमात के सामने खड़े थे. मिस्टर काजी आस्क्ड, डिड यू एंजॉय एग्जीबिशन यस्टरडे.
मिस्टर काजी ने पूछा, क्या आपने कल नुमाइश से लुत्फ उठाया? ऑल हैंड्स वेंट अप टू से यस, जी हाँ कहने के लिए तमाम हाथ उठ गए या तमाम हाथ खड़े हो गए। ओके, तो मिस्टर काजी वाज स्टैंडिंग, स्टैंडिंग का मीन होता है खड़े होना, ठीक है ना, कि वो खड़े थे। बिफोर मीन होता है फ्रंट पे या किसी चीज से पहले, ठीक है, फ्रंट पे। मिस्टर काजी वाज स्टैंडिंग बिफोर हिज क्लास, अपनी क्लास के सामने खड़े थे। मिस्टर काजी आस्क, आस्क मीन होता है क्वेश्चन करना, जैसे इंक्वायरी करना। हम लोग ये तीनों वर्ड सिनोनिम्स में ले सकते हैं, आस्क मीन भी पूछना, क्वेश्चन करना वो भी पूछना होता है, इंक्वायरी करना किसी चीज की, देन वो भी आस्क के मायने में आ जाता है। डिड यू एंजॉय एग्जीबिशन यस्टरडे? यस्टरडे मीन पास्ट, जो दिन गुजर गए, कल की बात हो रही है, ठीक है। डिड यू एंजॉय एग्जीबिशन यस्टरडे? क्या आप लोगों ने कल नुमाइश से आप लोग लुत्फ़अंदोज हुए? इधर हमारे पास जो हम लोगों ने दो सेंटेंस देखे हैं, इन दोनों में क्या बात हो रही है? इन दोनों में उन्होंने जो हेल्पिंग वर्ब यूज किए हैं वो पास्ट के हेल्पिंग वर्ब यूज किए हैं, ठीक है ना। डिड यू एंजॉय एग्जीबिशन यस्टरडे? क्या तुमने एग्जीबिशन यस्टरडे मतलब कल एग्जीबिशन से लुत्फ़अंदोज हुए थे, ठीक है ना। ऑल हैंड्स वेंट अप टू से यस, तमाम हाथ खड़े हो गए हाँ कहने के लिए। ओके गुड, अच्छा, सेड मिस्टर काजी। मिस्टर काजी ने कहा, व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन अकबर? अकबर तुम्हें एग्जीबिशन में सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? ओके, पहले मिस्टर काजी ने पूरी क्लास से एक क्वेश्चन किया है कि आप लोगों को एग्जीबिशन कल पसंद आई या नहीं आई, उनको एक राय लेने की, उनकी रिस्पॉन्स या फीडबैक लेने की कोशिश की है। तो सब बच्चों ने अपना पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है कि यस सर, हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, हम लोगों ने एग्जीबिशन को एंजॉय किया। अब मिस्टर काजी जो है वो वन बाय वन इंडिविजुअली हर क्वेश्चन से, हर स्टूडेंट से क्वेश्चन करेंगे कि आप लोगों को एग्जीबिशन में क्या चीज पसंद आई है। देन हर स्टूडेंट अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू हिज हर इंटरेस्ट, वो अपना आंसर देगा, ठीक है ना। और सबसे पहले मिस्टर काजी ने किससे क्वेश्चन किया है? व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट इन द एग्जीबिशन अकबर? अकबर से पहले सबसे मिस्टर काजी जो पहले हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं, अकबर आपने नुमाइश में सबसे ज्यादा किस चीज को पसंद किया? अकबर स्टूड अप, अकबर खड़ा हो गया एंड सेड, और कहा, आई लाइक पेंटिंग द बेस्ट, मुझे सबसे ज्यादा पेंटिंग्स पसंद आई हैं, दे लुक्ड सो ब्यूटीफुल, क्योंकि वो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। व्हाई डिड यू लाइक द पेंटिंग? तुम्हें पेंटिंग क्यों पसंद आई है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन किसने किया है? व्हाई डिड यू लाइक द पेंटिंग, ये उसने क्वेश्चन किया है, मिस्टर काजी ने क्वेश्चन किया है। किससे क्वेश्चन किया है? मिस्टर अकबर से क्वेश्चन किया है, अकबर, अकबर से। पेंटिंग इज माई हॉबी, क्योंकि जो तस्वीरें हैं वो मेरा क्या है, मशगला है। एंड आई हैव ए गुड कलेक्शन ऑफ पेंटिंग ऑफ माई ओन, ठीक है। अकबर, मुसव्वरी मेरा मशगला है और मैं अपनी बनाई हुई तस्वीर का एक अच्छा खासा मजमूआ रखता हूँ, ठीक है। इधर अब हम लोग देखेंगे इनमें से जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उनके मैं आप लोगों को मीनिंग हर एक पैराग्राफ को कंप्लीट आउट करने के बाद मैं बताती जाऊंगी, ठीक है ना। व्हाट डिड यू लाइक बेस्ट? बेस्ट का मतलब होता है हर एक चीज जो हमारे पास, बहुत सारी चीजों की वैरायटी हमारे पास मौजूद है, और उनमें से हम लोगों ने एक चीज जो है वो कलेक्ट करनी है, जो हमारे ख्याल से सबसे उनमें से प्रियोरिटी पे हो, सबसे अच्छी हो, तो बेस्ट। व्हाट डिड यू बेस्ट इन द एग्जीबिशन? के सबसे अच्छा तुम लोगों को कौन सी चीज लगती है? अकबर स्टूड अप, स्टूड अप मीन खड़ा हो जाना, अकबर स्टूड अप, वो खड़ा हो गया क्योंकि पहले वो क्लास में बैठा था, देन वो जब उसने, सर ने उसे क्वेश्चन किया, तो वो सर के रिस्पॉन्स में, सर को आंसर देने के लिए, और यह हम लोग इस तरह से भी कह सकते हैं कि सर की रिस्पेक्ट में, कि उसने खड़े होकर सर को जवाब दिया। अकबर स्टूड अप, वो खड़ा हो गया एंड सेड, उसने कहा, आई लाइक पेंटिंग द बेस्ट, मुझे सबसे ज्यादा पेंटिंग पसंद आई थी। ओके, आई लाइक्ड, लाइक्ड का वर्ड यूज क्यों हुआ है? क्योंकि वो पास्ट की बात कर रहे हैं, जो वक्त गुजर गया उसकी बात हो रही है, तो दैट्स वाई उन्होंने, पास्ट की बात हो रही है तो इसलिए लाइक्ड का यूज किया, ईडी जो थर्ड फॉर्म है वो इस्तेमाल की गई है। पेंटिंग द बेस्ट, मुझे सबसे ज्यादा पेंटिंग पसंद आई है, दे लुक्ड सो ब्यूटीफुल, ठीक है। ब्यूटीफुल मीन खूबसूरत होता है, और लुक मीन होता है देखना, ठीक है ना, दिखाई देना, जो उसकी अपेयरेंस होती है किसी चीज की वो कैसी है। व्हाई डिड यू लाइक द पेंटिंग, तुम्हें पेंटिंग ही क्यों पसंद आई? मतलब
मतलब उधर बहुत सारी चीजें थी तो तुम्हारी पेंटिंग ही पसंद आने की क्या वजह है? ठीक है, अकबर, पेंटिंग इज माई हॉबी क्योंकि मुसव्वरी जो है वो मेरा मशगला है। हॉबी के हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया है कि हॉबी क्या होती है। ऐसी कोई भी एक्टिविटी जो हम अपने लेयर टाइम में करते हैं, उस पे टाइम स्पेंड करते हैं या उसे सर अंजाम देते हैं, उसे हम लोग हॉबी कहते हैं। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ नंबर टू, रिजवान स्टूड अप नेक्स्ट। अब अकबर ने अपनी पसंदीदगी कहा, अपनी एक्टिविटी का, या जो चीज उसे एग्जीबिशन में पसंद आई उसका बता दिया। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टूडेंट वो कौन है? वो रिजवान है। रिजवान स्टूड अप, रिजवान खड़ा हो गया। आई लाइक द रॉक्स बेस्ट, मुझे सबसे रिजवान उसके बाद खड़ा हुआ, मुझे सबसे ज्यादा पत्थर पसंद आए। यू सी आई कलेक्ट रॉक्स टू, आपको पता है कि मैं खुद भी पत्थर जमा करता हूँ। आई हैव बीन डूइंग सो सिंस माई चाइल्डहुड, और मैं ऐसा कब से कर रहा हूँ, मैं अपनी बचपन से ऐसा कर रहा हूँ जब मैं छोटा था। इधर हमारे पास सिंस और फॉर का यूज आ गया। आई हैव बीन डूइंग सो सिंस माई चाइल्डहुड, ठीक है, सिंस माई चाइल्डहुड। इधर हम लोगों ने फॉर का यूज क्यों नहीं किया? हम लोग फॉर का भी तो यूज कर सकते थे। उसकी रीजन ये है कि इधर उन्होंने चाइल्डहुड, अपनी जो एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी को वो बचपन से कर रहा है, उसका टाइम ड्यूरेशन उसने हमें बता दिया है कि वो कब से कर रहा है। वो बचपन से कर रहा है, जब से वो छोटा है वो तब से ये काम कर रहा है, एक्टिविटी तब से ये कर रहा है। तो डेफिनेटली तब हम लोग ने इसलिए क्यों यूज किया, इसलिए हम लोग यहाँ पे सिंस यूज किया है। ठीक है, Since my childhood, I have been doing so since my childhood. मैं ऐसा कब से कर रहा हूँ, मैं अपने बचपन से ऐसा कर रहा हूँ। It is my hobby, क्योंकि ये मेरा मशगला है। But the rock there I had never seen before, ये मेरा मशगला है, लेकिन वहां जो पत्थर देखे मैंने वो पहले कभी नहीं देखे। अब वहां से मुराद क्या क्या चीज है? I had there rocks there, there से mean क्या मुराद है? There mean exhibition, उन्हें एग्जीबिशन से में जो पत्थर की कलेक्शन देखी, जो रॉक्स की कलेक्शन उसने देखी, जो डिफरेंट वैरायटी उसने वहां पे ऑब्जर्व की, जो वहां पे डिस्प्ले थी, वो उसने आज तक पहले कभी नहीं देखी। ठीक है, हमें साइड बाय साइड एक क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज अकबर हॉबी, कि अकबर की हॉबी क्या थी? तो हम लोगों को पता है पेंटिंग जो है, पेंटिंग अकबर की हॉबी थी। ठीक है, एंड द नेक्स्ट पैराग्राफ इज मिस्टर काजी, मिस्टर काजी अप्रिशिएटेड रिजवान रिस्पॉन्स। मिस्टर काजी ने जो रिजवान का रिस्पॉन्स था उसकी तारीफ की। मिस्टर काजी ने रिजवान के जवाब की तारीफ की। अप्रिशिएट का मतलब होता है किसी को प्रेज करना, उसकी तारीफ करना, उसके गुड वर्ड्स या उस में याद करना। ठीक है, द रीजन इज दैट द रॉक्स इन द एग्जीबिशन हैड कम फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, एंड द रॉक्स दैट यू हैव इन योर कलेक्शन वर प्रॉबली फाउंड नियर योर ओन हाउसेस। वजह यह है कि नुमाइश में जो पत्थर थे वो सारी दुनिया से आए थे, और वो जो तुमने अपने मजमू में रखे हुए हैं वो गालबन तुमने अपने घर के आसपास से ढूंढ के जमा किए हुए हैं। ठीक है, तो इधर क्या है, इधर जो मिस्टर काजी है, पहले मिस्टर रिजवान ने एक क्वेश्चन किया सर से कि मैंने, इट इज माई हॉबी, मेरी ये हॉबी है, बट द रॉक्स देयर आई हैड नेवर सीन बिफोर, लेकिन वहां पे जो डिस्प्ले में रॉक थी वो मैंने पहले कभी नहीं दी। तो इसके रिस्पॉन्स में मिस्टर काजी ने क्या जवाब दिया है, उसने बताया है कि एग्जीबिशन में जो रॉक्स थी, एग्जीबिशन में वो कहाँ से आई थी, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से, सॉरी, वहां पे थी, लेकिन जो तुम्हारे पास कलेक्शन है रॉक्स की वो तुमने कहाँ से इकट्ठी किया? गालबन अपने इर्द गिर्द, अपने गाँव, अपने टाउन, अपनी विलेज, अपनी स्ट्रीट के इर्द गिर्द से तुम्हें जो मिली है वो तुम्हारे पास है, ठीक है ना, लेकिन उधर ऑल ओवर द वर्ल्ड से थी, इसलिए तुम्हारी कलेक्शन और एग्जीबिशन की कलेक्शन डिफरेंट है। ठीक है ना, अप्रिशिएटेड मीन तारीफ करना या किसी को, द रीजन वजह, द रीजन इज दैट उसकी वजह क्या है, हैड कम ऑल ओवर द वर्ल्ड, तमाम दुनिया से आई थी, एंड यू हैव इन योर कलेक्शन फॉर प्रॉब्ली, प्रॉब्ली का मतलब होता है गालबन, शायद, तकरीबन, फाउंड मतलब होता है पाया जाना, नियर योर ओन हाउसेस, जो तुम्हारे घर के इर्द गिर्द पाई गई थी। एवरीबडी इन द क्लास सेड वन थिंग और द अदर, बट वन बॉय सेट मम ऑल द टाइम। ठीक है, जमात में हर एक ने
एक दूसरी बात कही लेकिन एक लड़का तमाम वक्त चुप बैठा रहा। ठीक है, मम का मीन होता है कीप साइलेंस, मतलब वो कुछ नहीं बोल रहा था, वो साइलेंट था, चुप करके बैठा हुआ था। ही हैड नॉट अटर्ड ए वर्ड ऑल हिज वाइल, उसने इस दौरान एक भी लफ्ज नहीं कहा था। अटर्ड मीन होता है कुछ भी बोलना, स्पीक आउट। जब जो छोटा बच्चा होता है वो स्टार्टिंग में बोलना शुरू करता है तो वो अटर्ड करता है, मतलब कुछ भी बड़बड़ाता है, कुछ भी जो उसकी समझ नहीं आ रहा होता लेकिन कुछ ना कुछ वो कहता है। अटर्ड मीन होता है कुछ भी कहना। ही हैड नॉट अटर्ड ए वर्ड ऑल द वाइल, उसने इस दौरान कुछ भी नहीं कहा था। व्हाट्स रॉन्ग विद यू टुडे सलीम, तुम्हारे साथ क्या मसला है, सेड मिस्टर काजी टू दिस बॉय, मिस्टर काजी ने उस लड़के से कहा तुम्हारे साथ क्या मसला है। यू हैव नॉट स्पोकन टुडे, तुम आज क्यों नहीं बोल रहे। डिड नॉट यू लाइक एनीथिंग इन द एग्जीबिशन, क्या तुम्हें नुमाइश में कोई चीज पसंद नहीं आई, मिस्टर काजी सलीम से क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, सलीम सेड, उसने कहा आई हैव बिन कलेक्टिंग स्टैम्प फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ एंड आई डिडंट सी स्टैम्प इन द एग्जीबिशन। ठीक है, सलीम ने कहा जनाब मैं काफी अरसे से डाक टिकटें जमा करता हूँ और मैंने नुमाइश में कोई भी टिकटें नहीं देखी। ठीक है, अब यह है कि हर स्टूडेंट क्या बात कर रहा था, जो एग्जीबिशन में हम चीजें ऑब्जर्व की उनकी हॉबी से वो रिलेटेड थी, दैट्स वाई वो अपनी बता रहे थे कि ये चीज मेरी हॉबी थी और मैंने वहां पे भी वो चीज ऑब्जर्व की, तो ये मेरी जो मेरे पास कलेक्शन है वो उस कलेक्शन से कैसे वेरी कर रही है, कैसे डिफरेंट है। लेकिन वो लड़का क्यों चुप था कि जो उसकी हॉबी है वो उसकी हॉबी के रिलेटेड एग्जीबिशन में कोई भी चीज अवेलेबल नहीं थी, कोई भी चीज वहां पे डिस्प्ले नहीं थी, दैट्स वाई उसने कोई भी कमेंट नहीं दिया, उसने क्लास में पार्टिसिपेट नहीं किया। ओके, मिस्टर काजी सेड यस, मिस्टर काजी जी हाँ यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो, देयर वाज नॉट स्टॉल ऑफ स्टैंप देयर, वहां पर डाक टिकटों का स्टॉल नहीं था। ठीक है, देयर मीन एग्जीबिशन की बात हो रही है कि वहां पे मीन एग्जीबिशन में वहां पे स्टॉल टिकटों का जो था वहां पे अवेलेबल नहीं था। इट इज वेरी पॉपुलर हॉबी, ये बहुत ही एक मशहूर जो है और बहुत ही मशहूर मशगला है। मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा आई हैव ए सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू, मेरे पास तुम सब के लिए एक हैरान कर देने वाली बात है। ठीक है ना, एवरीबडी लुक एंथुसियस, हर कोई मतलब हैरान था और बेताब था उस बात को जानने के लिए, बेचैन था। ठीक है, लेट्स हैव एन एग्जीबिशन एट स्कूल एंड लेट एवरीबॉडी ब्रिंग हिज ओन कलेक्शन, सलीम यू विल ब्रिंग योर स्टैम्प। ओके, आए हम स्कूल में एक नुमाइश करते हैं और हर कोई अपना अपना मजमूआ लेके आएगा, सलीम तुम अपनी टिकटे लाओगे। ठीक है, यू विल ब्रिंग योर स्टैम्प, तुम अपनी टिकटे लाओगे। अब जो मिस्टर काजी हैं वो बच्चों को क्या कर रहे हैं, एक बच्चों को एक ऑफर दे रहे हैं कि हम लोग एग्जीबिशन जो हम लोग देख के आए हैं, आप लोगों के पास भी अपनी अपनी वैरायटी है, कलेक्शन है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने स्कूल में एक एग्जीबिशन करते हैं जिसमें आप लोग हर स्टूडेंट अपनी जो है कलेक्शन वो लेके आएगा। ठीक है, विल यू स्लीव, विल यू ब्रिंग योर स्टैम्प, क्या तुम अपनी स्टैम्प लाओगे, विल यू क्या तुम लाओगे। ठीक है, यस सर, जी सर, सैड सलीम, सलीम ने कहा। मिस्टर काजी देन आस्क्ड द क्लास इफ दे हैड ए हॉबी, तब मिस्टर काजी ने क्लास से पूछा कि वो कोई मशगला रखते हैं। सादिक सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पिक्चर ऑफ ग्रेट लीडर्स, सादिक जो था उसने उसने कहा कि मेरे पास बड़े रहनुमाओं की तस्वीर जमा है। ठीक है ना, वो उसकी हॉबी है। आई विल ब्रिंग माई कलेक्शन ऑफ पिक्चर, मैं अपनी तस्वीरों का मजमुआ ले आऊंगा। आसिफ आसिफ ने क्या कहा, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग कॉइन्स, मैं सिक्के जमा करता हूँ। आई विल ब्रिंग देम, मैं वो ले आऊंगा, टू सम ऑफ दोज कॉइन्स आर वेरी रेयर, और उनमें से बहुत से सिक्के बहुत नायाब हैं। शेराज शेराज ने क्या कहा, सर आई हैव बीन कलेक्टिंग पोस्ट कार्ड ऑफ अदर कंट्रीज, आई विल ब्रिंग दोज।
जनाब मैं दूसरे ममालिक के डाक कार्ड जमा करता हूँ, मैं वो ले आऊंगा, ठीक है, आई विल ब्रिंग दूध, मैं वो ले आऊंगा। असलम, आई हैव बिन कलेक्टिंग सी शेल। असलम ने कहा कि वो समुद्री जो घोंगे होते हैं वो जमा करता है, ठीक है ना, वो ले आएगा। देन काशिफ, माई सिस्टर हैज ए बिग कलेक्शन ऑफ डॉल्स, मेरी जो बहन है उसके पास गुड़ियों गुड़िया जो होती हैं जिसके साथ बच्चे खेलते हैं, उनका बहुत बड़ा मजमू है। शी हैज बिन कलेक्टिंग डॉल फ्रॉम अदर कंट्रीज एंड हैज बिन मेकिंग डॉल हर सेल्फ। वो दूसरे ममालिक से गुड़िया इकट्ठी करती है और खुद भी गुड़िया बनाती है। आई वुड लाइक टू ब्रिंग सम ऑफ दोज डॉल्स टू द एग्जीबिशन, मैं उनमें से कुछ जो डॉल्स हैं, कुछ जो गुड़िया हैं, वो हमारी एग्जीबिशन में ले आऊंगा, ठीक है। मिस्टर काजी सेड, मिस्टर काजी ने कहा, इट अपियर्स यू ऑल हैव बीन डूइंग ए गुड जॉब। मिस्टर काजी ने कहा, ऐसा लगता है कि आप सब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ठीक है। इट सीम ऑल सेट नाउ, इट सीम ऑल सेट नाउ, ये जाहिर होता है कि सब कुछ तैयार है। प्लीज ब्रिंग योर कलेक्शन टू स्कूल नेक्स्ट थर्सडे फॉर द एग्जीबिशन। ब्राय मेहरबानी अगली जुमेरात को आप अपने अपने मजमूए नुमाइश में लेने के लिए ले आइएगा, रखने के लिए ले आइएगा। डोंट फॉरगेट, और मत भूलिएगा टू इनवाइट योर पेरेंट्स रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स टू दिस एग्जीबिशन, अपने वालदैन रिश्तेदारों और दोस्तों को इस नुमाइश में दावत देना मत भूलिएगा। द चिल्ड्रन वर सो एक्साइटेड टूडे, बच्चे बहुत ही खुश और प्रजोश नजर आ रहे थे। दे आर क्लैप्ड, उन सब ने क्या किया, उन सब ने खुशी से ताली बजाई। दे लाइक द आइडिया ऑफ स्कूल एग्जीबिशन, क्योंकि उन्होंने स्कूल में नुमाइश का ख्याल बहुत ही पसंद आया था, ठीक है। अब हमारे पास इट अपीयर्स, अपीयर्स का मीन होता है जाहिराना, ठीक है ना, जो चीज आप लोगों को आउटसाइड पे जो चीज जैसे शो ऑफ हो रही होती है, अपीयर्स मीन जाहिर होना, ठीक है। एंड यू आर डूइंग गुड जॉब, आप लोग बहुत ही अच्छा काम सर अंजाम दे रहे हो। इट सीम ऑल सेट अप, इट सीम, सीम का भी मतलब वही होता है अपीयर्स, या आप लोगों को अपीयरेंस में जो क्या चीज नजर आ रही है। प्लीज ब्रिंग योर कलेक्शन, कलेक्शन का मतलब होता है जो चीजें आप लोगों ने जमा करके रखी हुई है, डिफरेंट वैरायटी आप लोगों के पास अवेलेबल है, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू इनवाइट योर पेरेंट, इनवाइट मीन दावतनामा देना किसी चीज को, किसी को भी, कि आप लोग इनवाइटेड हैं हमारी इस पार्टी में, हमारे इस इवेंट में, हमारी इस खुशी में, ठीक है ना। डोंट फॉरगेट मीन मत भूलिएगा, टू इनवाइट दावत देना योर पेरेंट्स, अपने वालदैन को, रिलेटिव रिश्तेदारों को एंड फ्रेंड्स और दोस्तों को, ठीक है। इधर हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में अपनी जो देखेंगे वो एक्सरसाइज देखेंगे, या फिर हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन डिस्कस किए थे, द यूज ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, द यूज ऑफ आर्टिकल्स एंड सिंस एंड फॉर, या हम लोग उसको नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। एंड आई होप सो दैट आप लोगों को उस चैप्टर की कम्प्लीट समझ आ गई होगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने के पास।